चलिए अब रायपुर से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है। सदन में पीएम आवास और रीपा का मुद्दा आज उठता नजर आएगा। इसी के साथ बता दें विधानसभा सत्र में 15वें वित्त आयोग का मुद्दा भी आज गूंजेगा। अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं करने पर ध्यान आकर्षण, भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा लाएंगे। इसी के साथ सक्ती जिले में पबिया मवार जाति के लोगों को अजा प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर ध्यान आकर्षण लाया जाएगा। विभिन्न याचिकाओं की सदन में प्रस्तुति होगी। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, रामविचार नेताम के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा आज की जाएगी। तो ये बड़ी खबर बता रहे आपको राजधानी रायपुर से, जहां आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन है। लगातार विधानसभा सत्र हंगामेदार रहा है और आज भी विधानसभा सत्र बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई मुद्दे आज भी उठते नजर आएंगे सदन में। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष एक बार फिर से सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा और आज 15वें वित्त आयोग का मुद्दा भी गूंज सकता है। इसके साथ अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं करने पर यह मुद्दा भी आज उठ सकता है। अब इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सहयोगी दिलीप साहू एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, आज विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन है, क्या लगता है आज क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं चर्चा के दौरान? जी बिल्कुल त्रिषा, आज क्योंकि प्रश्न काल में संभवतः पीएम आवास का मामला गूंज सकता है। पीएम आवास से संबंधित जो सवाल किए गए हैं उसको लेकर कहीं कहीं पंचायत मंत्री की ओर से जो जवाब आया था उसके अनुसार से भी उस पर विपक्ष विपक्ष ओर से इस पर घमासान हो सकता है कि जिस तरह से लगातार पिछले सरकार का दावा था कि जो जितने तय किए गए थे 2011 की सूची के अनुरूप जो पात्रता तय किए गए थे उनमें से लगभग 12 से 13 लाख लोगों का मकान बनाया जा चुका है और हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी विश्वेश्वर साय सरकार की ओर से 18 लाख पीएम आवास बनाने का दावा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी मामला गूंजेगा। जिस तरह से पक्ष विपक्ष एक दूसरे को जिस तरह से बातें कह रहे हैं उसको लेकर, साथ ही साथ रीपा का जो मामला है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जो मामला है वो भी गूंजेगा। और पिछला जो 2 दिन पहले ही जब विधानसभा सत्र में इसको लेकर चर्चा भी हुई थी और जो वरिष्ठ विधायक है धर्मलाल कौशिक ने मामला उठाया था उसको लेकर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बातें कही गई थी कि 500 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर जांच के भी आदेश हुए हैं। इसके अलावा पिंजरे संदर्भ वित्त आयोग का जो फैसला है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। खास करके पंचायतों को जो 15वें वित्त आयोग का जो पैसा मिलता है उस फंड को लेकर भी लगातार कहा जा रहा था कि पिछली सरकार ने केवल उसको गोठानों और मरवा दरवा भूवा भाभी को उनको भेजे थे, उसी पर खर्च किया और पंचायतों में विकास के लिए पैसा नहीं मिल पाया, इसको लेकर भी सवाल जवाब हो सकते हैं, ये मामला भी गरमा सकता है। इसके अलावा ध्यानाकर्षण में बात करें तो मुख्य रूप से ध्यानाकर्षण में अतिथि शिक्षकों की को नियमित करने का नियमित अभी तक नहीं किए जाने के मामले को लेकर ध्यानाकर्षण के माध्यम से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा को स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के विधायक है राम कुमार यादव ये भी एक मामला उठाएंगे। सक्ती जिले में पबिया मवार जाति जो जनजाति है इनके जो प्रमाण पत्र बनाए जाने में जिस तरह की देरी हो रही है, जिस तरह की दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है, इस मुद्दे को लेकर भी सदन में ध्यान आकर्षण कराएंगे आदिम जाति कल्याण मंत्री की ओर। साथ ही जो जनजातियों को जो जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो ठीक हो जाए, उसके भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि लगातार बजट सत्र है 9 फरवरी से, वित्त मंत्री ने बजट पारित किया था उसके बाद अलग अलग मंत्रियों के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। आज 2 मंत्री खास करके श्याम बिहारी जायसवाल जो इनके स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संबंधित जो विभाग है उनके अनुदान मांगों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा मंत्री राम विचार नेताम के विभागों से संबंधित जिसमें कृषि, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, दिलीप, तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज पीएम आवास सहित रीपा मुद्दा उठता सदन में नजर आएगा, तो बेहद हंगामेदार आज का सत्र भी रहेगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।